गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं बी विजिटर, खबरें जिसमें आपका फायदा। जी हाँ, खबरें जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर क्या आ रही है। जो पहली खबर है, विदेशों में जो फंसे हुए हैं हमारे भारतीय, उनको वापस लाया जा रहा है। जी हाँ, सरकार ने जो है इसके लिए काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, इसके लिए कुछ जो है उन्होंने रूल्स बनाए हैं जो कि फॉलो किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपको पेमेंट करनी होगी इस चीज के लिए। जी हाँ, और दूसरी जो चीज़ है उनके लिए जो मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, और बगैर लक्षण वाले लोगों को, जिनको जो है इस तरह के लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही वापस लाया जा रहा है। और साथ ही साथ जिन लोगों को यहाँ लाया जाएगा उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराई जाएगी, और साथ ही साथ 14 दिन के बाद जो है उनका कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद अगर जो रिपोर्ट है वो उसके आधार पर जो है हम ये देखेंगे कि उसे जो है घर भेजा जा सकता है या नहीं, उसके हिसाब से प्रोसेस। तो इस तरह के जो लक्षण है और इस तरह की जो चीज़ें, ये सब कुछ देखने के बाद जो है डिसाइड होगा कि उस जो भारतीय को है किस तरह से घर भेजा जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। अगली जो खबर आ रही है बहुत ही अच्छी है। हरियाणा सरकार 7500 रुपये में जो है सोलर पैनल लगा रही है। जी हाँ, 7500 रुपये में, 7500। जी हाँ, इसमें जो है सोलर पैनल लगाया जा रहा है। करीबन 22500 रुपये का 150 वाट का जो है आपका सोलर पैनल लगाया जाता है, लेकिन सरकार 15000 की सब्सिडी दे रही है। जी हाँ, 15000 की जो है आपको जो है सब्सिडी मिल रही है, और 7500 रुपये में आप इसको लगवा सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपको काफ़ी कुछ जो है बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। 150 वाट का सोलर पैनल है, लिथियम बैटरी फ्री मिलेगी, 6-6 वाट के 2 LED बल्ब मिलेंगे, 9 वाट की LED ट्यूबलाइट मिलेगी, 25 वाट की एक छत का पंखा, मोबाइल चार्जिंग वाइट दिया जाएगा। जी हाँ, इस तरह की ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपका जो खाता होना चाहिए और वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड तो आपके पास होना मैंडेटरी ही है। और साथ ही साथ राज्य का निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, और इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप वेबसाइट पर जाकर कॉल कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वेबसाइट की बात कीजिए तो HAREDAV.gov.in पर आप जो है जाकर जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कॉल करना है तो आप 0172-2586-933 पर कॉल करके भी इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो योजना है ये काफी अच्छा है, मनोहर ज्योति योजना। जी हाँ, मनोहर ज्योति योजना, जिसके अंदर आपको जो है काफी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, सब्सिडी मिल रही है। तो अगर आपको ये जो चीज पसंद आ रही है तो इसे जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ही है, और आपकी जो है बिजली को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए जो है ये सब जो स्कीम है हरियाणा सरकार जो है दे रही है। तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। अगली खबर जो आ रही है, एम्स में जो वैकेंसीज निकली हुई थी, 20 मई तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, 20 मई तक इसका आवेदन कर सकते हैं। 21 अप्रैल से ये शुरू की गई थी, और भुवनेश्वर, जी हाँ, एम्स भुवनेश्वर के अंदर जो वैकेंसीज निकली हैं उसके अंदर जो है अनुभवी जो है एक्सपीरियंस लोगों को ही रखा जा रहा है। करीबन 84 पदों पर जो है भर्ती निकली है भुवनेश्वर सीनियर रेजिस्टेंट। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है उनके लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए वेबसाइट है aimsbhuvaneshwar.inc.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। अगली खबर जो है, जनधन खाता धारकों के लिए, जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना अकाउंट इसमें खुलवाया था, उनके खातों में 500-500 रुपये डाले जा रहे हैं। करीबन 10 करोड़ से अधिक जनधन महिला खाता धारकों के खातों में जो है मई माह की, जी हाँ, मई महीने की दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। जी हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है जिन्होंने ये खाता खुलवाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगली खबर जो आ रही है, IIT JEE NEET अलर्ट
2020 जिनके एग्जाम्स होने हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यही है कि जेई मेंस के जो पेपर है वो 18 से 23 जुलाई तक, जी हाँ 18 से 23 जुलाई तक के बीच होंगे, और जेई एडवांस्ड के जो एग्जाम है वो अगस्त 2020 को तक हो जाएंगे। जी हाँ अगस्त 2020 तक जो इसके एग्जाम होंगे, और साथ ही साथ नीट जुलाई 2020 तक एग्जाम होंगे। तो ये जो है न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है उनके लिए जो स्टूडेंट्स जो है काफ़ी तेज़ी से जो है इसके लिए जो अप्लाई किया है जिन्होंने, और जो इसकी तैयारी काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।